सूरज प्रताप राणा कैसा लग रहा है? जादू लग रहा है। ओम 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 धूप। जितना सुंदर ये सामने से लगता है उतना अच्छा आप रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते। मतलब इसकी जो रियल ब्यूटी है वो आप जब आंखों से देखोगे ना आप लोगों को तभी पता लगेगा। सुबह के 7:30 और बाकी सब सो रहे हैं। मैं जल्दी उठ गया था तो मैं आया हूँ अपने लिए कॉफ़ी लेने के लिए, तो कॉफ़ी लेते हैं। और अभी पूरा मार्केट बंद है। कल हमें कैंपिंग से खीरगंगा से नीचे आने में काफ़ी टाइम लग गया था, तो हम लोगों ने यहीं पे होटल ले लिया था कसोल में। सेम होटल जो हमने पहले लिया था, सेम होटल सेम रूम, और बाई चांस रूम काफ़ी अच्छा था तो हमें सेम रूम मिल गया सेम प्राइस में, तो वो अच्छी बात है। और आज का प्लान ये है कि आज थोड़ा अभी लड़के रेस्ट कर रहे हैं और थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, फिर चेकआउट करके 12-1-2 बजे के आसपास हम लोग निकलेंगे चंडीगढ़ के लिए। चंडीगढ़ नहीं, अमृतसर के लिए। अमृतसर में हम लोग जाने वाले हैं गोल्डन टेम्पल। तो यार आई डोंट नो मैं इतना क्लम्सी कैसा हो गया हूँ। मैं आई डोंट नो आप लोग देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो इतना क्लोजली, मेरे होंठ पूरे फट गए हैं और अपर लिप में तो मेरी ब्लड क्लॉट भी हो गई है। मैं 2 लिप बाम लेके आया था, दोनों खो गए। मैं 2 मास्क लेके आया था, दोनों खो गए। आई डोंट नो कहाँ खोए कब खोए लेकिन खो गए हैं। तो आज हम शॉपिंग करेंगे, तो मैं मास्क भी लेने वाला हूँ और छोटी मोटी शॉपिंग करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। तो मैंने सोचा था अभी कि कॉफी पीना था, कॉफी तो नहीं मिली, चाय मिली, चाय पी ली। मैंने अभी छोटा मोटा सामान लिया, मैंने पहली शॉप ऐसी देखी है यहाँ पे कसौल में, हिमाचल में, मतलब कसौल में हिमाचल में तो नहीं नीचे, जिसने MRP पे सामान दिया है। तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसी शॉप भी है जो मतलब एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं। गुड जॉब। तो अभी हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है, रूम चेकआउट कर दिया है, अभी थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे, अगर कुछ मिलेगा तो लेंगे, अगर कुछ अच्छा लगेगा तो ही लेंगे, तो देखते हैं। सूरज प्रताप राणा कैसा लग रहा है? जादू लग रहा है। ओम 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 धूप। कार को दिखा दे, पूरा लग गया। ऐसे कर ले ऐसे 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 रहता उसका टाइट। मन मार लूंगा भी मैं। ओम 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 ऑलमोस्ट शॉपिंग हो गई। यहाँ पे काफ़ी कुछ है लेने को, जैसे ज़्यादातर गर्म आइटम है, जैसे वुलन सॉक्स है, वुलन जैकेट है, मैंने एक सॉक्स लिया है वुलन सॉक्स, और एक शॉल लिया है मम्मी के लिए। मैं कपड़े नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है मेरे को बॉम्बे में वो काम नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ पर ठंडी होती नहीं है। तो मम्मी के लिए एक शॉल लिया है, एक सॉक्स लिया है, और थोड़ा कीचेन वगैरह छोटा छोटा आइटम देख रहा हूँ। उसके अलावा कुछ दिखता है तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। जब बेइज्जती है। काजल गुज्जी, काजल है किसकी? ओह नो, काजल है बब्बू की। काजल तो हमें दूसरी ढूंढनी पड़ेंगी। आपकी शॉप का नाम क्या है? और क्या क्या अवेलेबल है यहाँ पे? यहाँ पे आपको मैक्सिमम हैंडमेड आइटम मिलेगा, उलन के बहुत अच्छे ऐसे डबल जैकेट मिलता है। फिर मैक्सिमम आपको ऐसे सब टिपिकल डिजाइन में मिलेगा, जैकेट भी आपके कोई स्टोन वास में, कोई गेरी के, आपको क्या बोलते हैं कैनवास के जैकेट है, सब आपको टिपिकल डिजाइन में बनाया जाता है। और कुल्लू के शॉल मिलता है, ऐसा गर्म शॉल इस टाइप का जो आपके पीछे लगे हैं, ये सब कुल्लू डिजाइन में है, पहाड़ी डिजाइन में। शॉल स्टॉल जैकेट मैक्सिमम यही, और उलन का हैंडमेड आपको ग्लव्स सॉक्स टोपी मिलेगा इसमें। तो शॉपिंग हो गई है डन, मैंने
और जो मैंने बताया था उसके अलावा मैंने एक वॉलेट लिया है, हैंडमेड वॉलेट है, और एक ही हैंडमेड मास्क लिया है। और लड़कों का काफ़ी मोटा खर्चा हो गया, मतलब मैंने तो कम ही सामान लिया लेकिन लड़कों का काफ़ी मोटा खर्चा हो गया। तो अब निकलते हैं फाइनली गोल्डन टेम्पल के लिए। फिर कुछ छोटा मोटा सामान और कसौल से ढेर सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज लेके हम लोग निकले अमृतसर के लिए। Much, much, much later. Just अभी हम लोग कसौल से पहुंचे हैं अमृतसर और अभी हम आए गोल्डन टेम्पल। तो गाड़ी पार्किंग पे लगा दी है, 10 मिनट की वॉकिंग है यहाँ से और बहुत ज्यादा प्रिटी व्यू है। और आप लोगों को मेरी आंखों में नींद दिख रही होगी, हम लोग बिल्कुल भी नहीं सो, बहुत नींद है। तो अभी हम लोग दर्शन करेंगे और उसके बाद हम लोग एक नैप लेंगे और फिर निकलेंगे मेरठ के लिए। तो फाइनली भी सबसे ज्यादा इसका डर था वो करना पड़ गया, शूज निकाल दिए और बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। कुछ भी later. हाँ भाई मजा आ रहा है, पैर देख रहा है। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था यहाँ पे और जैसे कि मैंने अपने साथ वालों को भी बोला कि ये जो ब्यूटी है ना, मतलब इसको आप कितने भी अच्छे कैमरे से, कितने अच्छे भी माइक से आप इसका ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर लो, कुछ भी कर लो, कितना अच्छा एडिट कर लो, लेकिन जितना सुंदर ये सामने से लगता है उतना अच्छा आप रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते। मतलब इसकी जो रियल ब्यूटी है वो आप जब आंखों से देखोगे ना आप लोगों को तभी पता लगेगा। और यहाँ पे एक बात काफी अच्छी है कि यहाँ पे सारी शॉप्स जो हैं उनके फॉन्ट सेम है। कहना क्या चाहते हो, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अब क्योंकि पिछली रात हम बिल्कुल भी नहीं सोए थे तो कुछ घंटे का रेस्ट लिया और उसके बाद कुछ देर ड्राइव करने के बाद हम लोगों ने लिया अपना अगला ब्रेक। Much, much, much later. तो अभी रास्ते में रुके हैं चाय पीने यहीं कहीं अमृतसर हाईवे पे और पीछे इतनी ग्रीनरी देखे इतना अच्छा लग रहा है। एंड हम लोग खाने की तलाश में, खाना अभी भी नहीं मिला है तो आगे शायद मैकडोनल्ड्स है उस पर रुकेंगे। कौन सा ये हरा वाली, ये वाली किसके लिए, क्या कह रहा, क्या कह रहा, कालू के लिए बाली रहा थे माल निमाई देगा कपड़ा बत गा है ना मित्र, साले मौत नहीं देगी तुम्हें। हाँ भाई ठंड लग रही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए Bye.